शाली जी, आपने सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं किया बल्कि अपने बेटे के साथ तक गलत किया है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था कि नरेन मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। कितने खुश थे, मुझे याद है मैंने उन्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने उन्हें वो खबर दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था ये सबसे पहले मॉम को सुनाना चाहता हूँ। हाँ, उनकी याददाश्त वापस आने के बाद वो सब कुछ भूल गए, लेकिन अगर आप चाहती तो आप बहुत कुछ कर सकती थी, आप उनको याद दिला सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि शायद मैं आपको कभी पसंद थी नहीं। आपके हिसाब से तो मैं बहुत छोटे परिवार से थी, बहुत गरीब थी, आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती थी। आपने बहुत गलत किया है, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, नरेन के साथ, आशी के साथ। मैं उसकी माँ थी, एक बच्ची को आपने उसकी माँ से दूर रखा है, पर आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब तो परी से भी दो कदम आगे निकली। परी ने जो कुछ भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया ना, चलिए माफ किया मैंने उसे, लेकिन आपने, आपने तो पता नहीं किस लिए किया, आपने तो मेरी बच्ची को ही मुझसे अलग कर दिया। एक बात याद रखिएगा शाली जी, मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती, मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती, याद रखिएगा ये। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये घर छोड़कर जा रहा हूं। और प्लीज, मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे तो याद ही नहीं था कि अंकित मेरा रिश्ता कैसा, हमारे बीच में प्यार था या नहीं। ये हम दोनों की बेटी है, ये तो बिल्कुल नहीं पता था। बस परी से प्यार करता रहा पागलों की तरह, लेकिन ये इस लायक ही नहीं थी। परी, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने जो आशी के साथ किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कहूंगा। और ये बात मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं कि तुम मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन अगर मेरी आशी को तुमने कुछ भी कहा, उसके साथ कुछ भी गलत किया, तो कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन आज, आज तुमने सारी हदें पार कर दी और इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हजुमा, मैंने एक फैसला किया है कि मैं परी को डिवोर्स दूंगा। नहीं परी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जब जब तुम मेरे सामने आओगी तब तक तुम्हारे लिए नफरत बढ़ती रहेगी। मैं यही सोचूंगा कि तुम कितनी बुरी मां हो, कितनी बुरी बीवी हो कि अपनी बेटी का सौदा कर लिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? किस किस्म की औरत हो तुम? नरेन बेटा, देखो मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, बेटा शांत हो जाओ। देखो इस तरह से जज्बाती होकर फैसले नहीं लिए जाते। आज हुआ प्लीज, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं समझाएगा, अब भी नहीं। मैंने जो फैसला कर लिया वो फैसला बदलेगा नहीं, कि सच में परी तो इस लायक ही नहीं कि एक मां बन सके, एक बीवी बन सके, यहां तक कि किसी की बेटी भी बन सके। ये किसी के भी प्यार के लायक नहीं, सिर्फ अपनी खुशी, अपना स्वार्थ, अपने बारे में सोचती है। आप सब लोगों को तो ये भी नहीं पता कि परी ने ही अंकिता को मरवाने की कोशिश की थी। सच है, ताकि उसे एमडी की पोस्ट मिल जाए और उसका मैं हमेशा के लिए हो जाऊं। लेकिन अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता परी, इस
इसलिए आज देखो तुम कहां और अंकिता कहां खड़ी है। हजूबा परी गलतियों पर गलतियां करती रही और मैं उसे माफ करता रहा। उसकी हर छोटी बड़ी गलती पर मैंने पर्दा डाला। शायद ये मेरी गलती थी, अगर इसे पहले टोक दिया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं इसकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर जा रहा हूं। प्लीज आप में से कोई भी मुझे ना रोके। आपके पास एक घर है जो आपका है, आप वहां जाकर रह सकते हैं, लेकिन प्लीज परी को अपने साथ ले जाइए। प्लीज किता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम मुझे कुछ भी और बोलती तो मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन परी से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, जितनी आशी मेरी बेटी है उतनी तुम्हारी भी है, इसलिए तुम जब चाहो हमारे साथ घर में आके रह सकती हो। आशी को एक माँ की जरूरत है, एक माँ के प्यार की जरूरत है। अंकिता पूरी रात सोई नहीं? अजीब सुबह उठ गई थी, नींद नहीं आ रही थी, तो तेरे लिए चाय लाई, पी लेना। एक बात बता, कितना और सोचेगी, कब तक अपने आप को तकलीफ देगी? तो क्या करूं आज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी एक तरफ इस बात की खुशी है कि मेरी बच्ची है आशी, वो बिल्कुल सही सलामत है, और दूसरी तरफ नरेन पर ही दूसरे से अलग होना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ अजी, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि नरेन परी को तलाक दे दे। मैं तो उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं नरेन को अपना सकती हूँ, आशी को छोड़ सकती हूँ आजी, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी बच्ची, तू बार बार मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूँ, बताती हूँ, पर क्या तू मेरी बात मानेगी? अंकिता तू हमेशा से सिर्फ दूसरों के लिए जीती आई, तूने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। यहां से गई क्योंकि तुझे पता था नरेन परी के साथ खुश है, लेकिन अब बारी तेरी ही खुशियों की। अब वक्त तेरा है अंकिता, अब अपने बारे में सोच। देख, नरेन ने जो फैसला लिया है डिवोर्स लेने का, उससे तकलीफ हम लोगों को भी हो रही है, उसने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ करके। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, वो इस तरह कोई भी फैसले आसानी से नहीं ले सकता। हमें भी तकलीफ होगी, पर कल को कुछ भी बुरा होता है परी के साथ। अच्छी अंकिता, तुझे याद है जब तू मुंबई छोड़कर जा रही थी और मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, तूने कहा था किस लिए रुको आजी, मैं नरेन से प्यार करती हूँ, लेकिन नरेन तुझसे प्यार नहीं करते, यही तूने कहा था ना? ये मेरा और नरेन का बच्चा और इसी को मैं अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ अंकिता, मैं वही तो बोल रही हूँ, एक बार नरेन से बात करके तो देख, कोई फायदा नहीं है नरेन से बात करने का, और मैं क्यों करूँ उससे बात? जी मैं जानती हूँ कि उनकी खुशी परी के साथ है, वो उससे प्यार करते हैं, वो मुझसे नहीं। लेकिन अंकिता अब तेरे पास मौका है, तू नरेन के दिल में वो प्यार जगा सकती है। तुम दोनों की बच्ची आशी वही एक जरिया है जो तुम दोनों को फिर से जोड़ सकता है। अच्छी लेकिन देख अंकिता, परी मेरी पोती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि अब परी हमारे हाथ में नहीं रही, उसने जिस तरीके की हरकतें की हैं उससे सबको तकलीफ हुई। और एक बात बताऊँ, जो
जो एक बार दिल से उतर जाता है ना, उसे फिर से अपनाना बहुत मुश्किल होता है। और नरेन के साथ यही हुआ है। उसने सिर्फ परी से प्यार किया, बहुत प्यार किया, लेकिन परी ने उसे क्या दिया? उसने तो आशी तक को प्यार नहीं दिया, एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। और अब कहीं ना कहीं जाकर नरेन की यही सारी चीजें बाहर निकल रही है। और इसीलिए उसने अपना मन बना लिया कि वो परी को तलाक देगा। अंकिता, वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के साथ काटेगा, लेकिन अकेले। ऐसा क्यों? जब आरुषि की माँ है तो वो आरुषि के साथ रहेगी, उसे प्यार की जरूरत है अंकिता, उसको माँ के प्यार की जरूरत है। अजी, लेकिन तूने अभी कहा ना, तुमने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, बहुत सहा है, मुझे पता है तूने बहुत सहा है, लेकिन बस अब खत्म हो गया सब कुछ, आगे बढ़। अच्छी, लेकिन अच्छी कैसे मुमकिन है? मैं नरेन, क्यों नहीं रह सकती तू नरेन के साथ? अब इतना मत सोच अंकिता, पप्पा है ना, वो सब कुछ सही करेंगे। देख, अब तक तुझे ये लगता था कि तेरी बच्ची नहीं है, लेकिन भगवान ने तुझे मिलाया ना, पप्पा ने तुझे मिलाया। उसी वक्त का इंतजार कर जब तेरा प्यार अपने आप तेरे पास आएगा। चली जा नरेन के पास, अपना ले आरुषि और नरेन को, अपनी जिंदगी फिर से बसा ले अंकिता, फिर से बसा ले। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तेरी बेटी और तेरा पति तेरा इंतजार कर रहे हैं अंकिता। इस बार ये मौका मत जाने देना, किसी के लिए नहीं। जी, परी गलतियों पे गलतियां करती रही और मैं उसे माफ करता रहा, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं इसकी जिंदगी और इस घर से बहुत दूर जा रहा हूं। दर्द हो रहा है? किसने कहा ये सब करने के लिए? ऐसे खुद को चोट पहुंचाना कोई सलूशन नहीं है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। I love you, परी। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दोगे? क्योंकि वो तुम्हें दूंगा ही। क्या? हाँ, बहुत प्यार किया था मैंने तुमसे, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? मुझे सिर्फ धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात किया। एक बार भी मेरे साथ नहीं खड़ी रही, हर बार मेरी पीठ पे छुरा भोंका। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी आशी से प्यार करता हूँ और अंकिता से, जो आशी की माँ है। अब मेरी जिंदगी वही दोनों। आई लव देम बोथ अ लॉट, क्योंकि अंकिता एक अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत बेहतर। वो स्वार्थी नहीं है तुम्हारी तरह, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते और अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। और सबसे बड़ी बात कि वो भी प्यार करती है मुझसे, और इसे ही प्यार कहते हैं। बस करो प्लीज, मेरे सामने उसकी तरफदारी करना बंद करो। तुम अभी ये सब बोल रही हो? नरेन, प्लीज, I'm begging, प्लीज, मेरे सामने उसकी तारीफ मत करो, मैं नहीं सुन सकती। और तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। हाँ, जस्ट गो। चले जाओ, जस्ट गो। अब अंकिता के साथ रहूँ? जस्ट गो। मैं अंकिता, वही हिस्सा में उसका नाम मत लो प्लीज। मैं अंकिता, मुझे कुछ नहीं सुनना नरेन, जाओ यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन प्लीज। क्या हालत बना ली तुमने अपनी परी? मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें ये बताने कि मैं नरेन के पास जा रही हूँ, किसी और वजह से नहीं।
सिर्फ मेरी बेटी के लिए। परी, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन एक बात कहो, धरिन का दिल बहुत बड़ा है, एक बार जाके उनसे माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कब बंद करोगे ये ड्रामा? एक तरफ नरेन को मेरे खिलाफ भड़काती हो, उसके दिल में मेरे लिए नफरत भरती हो, और यहाँ के मुझे कह रही हो कि मैं उससे बात कर लूँ। कब बंद करोगी ये डबल गेम्स? साफ साफ कह क्यों नहीं देती तुम नरेन से प्यार करती हो और उससे मुझसे छीनना चाहती हो? मुझे नहीं पता परी तुम कभी मुझे समझ पाओगी या नहीं, लेकिन आई रियली होप कि एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें एहसास हो कि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहा, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। मैं चलती हूँ। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसे उन खिलौनों से ज्यादा ये खिलौने पसंद आएंगे। अत्तू, खुश रहो। अब कब आए? बस अभी अभी आ रही हूँ। सुना है, आई आई हूँ। अभी बस अभी आया तो ये सब कैसे वाटर? I'm fine. मला सांग तू कसा आहेस? हाँ मैं ठीक हूँ। नरेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो गया, एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? मी तुझी अत्तू आहे, तुला माहिती आहे, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता लगी रहती है। कितनी बार फोन पर बातें की हमने, एक बार मेंशन तक नहीं किया तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कहता फोन करके? यहाँ पे इतना कुछ हो रहा था जो मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने लेवल पे जितना हुआ ट्राई किया, संभाल लिया, लेकिन कई लोग थे जो। नरेन, नाम क्यों नहीं ले रहे? माला सगळं खरं काय ते माहिती आहे। मैं जानती हूँ दुशाली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, राइट? मैं मॉम के बारे में ऐसे क्या बोलूं? खैर, सच्चाई तो ये है नरेन कि मैं यहाँ तुम्हें मिलने नहीं आई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बेटी को, मेरी पोती को मिलने आई हूँ। देखो, मैं उसके लिए सारे टॉयज लेकर आई हूँ, बुलाओ उसे। अब बहुत वाव दादा, कितनी सारी टॉयज। यस दादा, आपने बलून क्या लगाया? क्या लगाया? मुझे आपका ख्याल रखना पड़ता है। देवा सिद्धि विनायका। अरे नरेन, तुझे मुलगी हुबेहूब अंकिता सर के दिसते। और इतना ही नहीं, ये तुम्हारा ख्याल भी ठीक अंकिता की तरह ही रखती है। वो मेरा ख्याल रखती थी। हाँ। अच्छा, आप अत्तू से मिले? हाय अत्तू। हाय स्वीटहार्ट। सुनो, ये देखो, ये मैं आपके लिए खिलौने लाई, आप खेलेंगे इसके साथ? वेरी नाइस। थैंक यू। गुड गर्ल। क्या सच में अंकिता मेरा इतना ख्याल रखती थी? हाँ, बहुत ख्याल रखती थी तुम्हारा। इनफैक्ट नरेन, आज तुम ठीक होकर यहाँ मेरे सामने बैठे हो, इट इज ऑल थैंक्स टू अंकिता। जब तुम्हारी अंकिता के साथ शादी हुई थी, तब तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अंकिता यूज्ड टू टेक केयर ऑफ यू डे एंड नाइट, उसी की वजह से तुम ठीक हो गए। और उस लड़की का नसीब देखो, तुम ठीक हो गए और तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। तुम अंकिता को भूल गए। यू डिड नॉट रिमेम्बर हाउ गुड शी वॉज टू यू, और इसीलिए तुम उसके साथ न्याय नहीं कर सके। पर नरेन, आता परिस्थिति बदल लिए, तुला सगळं खरं काय ते कळले, तुम सच्चाई जानते हो आप। कम से कम आप सोच समझ कर फैसला लो, अंकिता के साथ न्याय करो प्लीज। मैं अंकिता को पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी। दिस इज माई ओपिनियन, फाइनल डिसीजन
तुम्हारा होगा। हाँ तो मेरा अंश भी मेरे साथ। नरेन, ये जितनी तुम्हारी बेटी है ना, उतनी अंकिता के भी है। मेक द राइट डिसीजन बेटा।